वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर यूके टेक में। तो आज है 8 अगस्त और आज हम जानेंगे 8 अगस्त की लेटेस्ट करंट अफेयर। तो वीडियो को बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज के क्विज के साथ। हाल ही में भारत की किस युवा महिला पहलवान ने राष्ट्रमंडल खेलों में टोंगा की टाइगर लिली को हरा कर कांस्य पदक जीता? तो ये अभी दिव्या काकरण ने कांस्य पदक जीता है दोस्तों, ये टोंगा की टाइगर लिली को हराकर। तो इसका ऑप्शन, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस अगस्त में हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस अगस्त में है दोस्तों, 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में 3000 मीटर स्टेपल चेंज गेम में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो 3000 मीटर में स्टेपल चेंज में दोस्तों ये अभी अविनाश साबले ने 300 मीटर स्टेप चैलेंज में रजत पदक जीता, सिल्वर मेडल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में हुए 2022 में कॉमनवेल्थ गेम में भारत के किस पहलवान ने पाकिस्तान के रेसलर को हराया दोस्तों? तो ये दीपक पुनिया ने पाकिस्तान के रेसलर को हरा दिया दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में ताइवान की यात्रा को लेकर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैसी पोलोसी व उनके परिवार पर किस देश ने रोक, मतलब बैन लगाने की घोषणा की दोस्तों? अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष दोस्तों नैसी पोलोसो, तो इनको अभी हाल ही में चीन ने बैन लगा दिया दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। और चीन की बात करें तो चीन की एक है, क्या है दोस्तों कैपिटल, चीन की कैपिटल है सिंघाई। और चीन के प्रेसिडेंट कौन थे? सी जिनपिंग। कौन है? सी जिनपिंग। किस राज्य ने EWS छात्रों के लिए चिराग योजना शुरू की है? तो अभी EWS छात्रों के लिए चिराग योजना शुरू की है दोस्तों अभी हरियाणा सरकार ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हरियाणा की बात करें, हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंदारू दत्तात्रेय। और हरियाणा में लोकसभा सीटें कितने? 10 और राज्यसभा सीटें 5। इतना हरियाणा के बारे में याद रखिए। हाल ही में किस राज्य के द्वारा अपने प्रत्येक जिला में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया? तो अभी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड दोस्तों। इन्होंने अभी हाल ही में संस्कृत भाषा विकसित करने का निर्णय लिया। तो उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के विंटर कैपिटल क्या है? देहरादून। और समर कैपिटल गैरसैन। और इसके CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। और इसमें लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 3। इतना उत्तराखंड के बारे में याद रखिए। गुताओ पेट्रो हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए? तो गुताओ पेट्रो ये कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बन गए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में भारत का प्रथम महिला सहकारी बैंक किस राज्य में स्थापित हुआ? तो भारत का प्रथम सहकारी बैंक अभी हाल ही में राजस्थान में स्थापित हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और राजस्थान की बात करें, राजस्थान के कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के CM अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर को उन्होंने दोस्तों कालराज मिश्रा। और राज्यसभा में लोकसभा सीटें 25 और लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 10। इतना राजस्थान के बारे में याद रखें। तो आज की वीडियो में इतना दोस्तों। ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में किस IIT के द्वारा IIT तंजाइन में एक परिसर स्थापित करने की योजना बनाए? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए।